अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अतीक अहमद की शनिवार रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, लेकिन क्या आप अतीक के आपराधिक इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं? अगर नहीं है तो सुनिए। माफिया अतीक अहमद के ऊपर हत्या समेत 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनने के बाद उसको पहली बार सजा उमेश पाल के अपहरण मामले में मिली। 364A के तहत ये सजाएं उम्र कैद थी, जो 28 मार्च 2023 को सुनाई गई। इसके पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। फिरोज तांगे वाले के लड़के के नाम से ही यह जाना जाने लगा था। अतीक बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर होने के चलते 10वीं में फेल हो गया था, जिसके बाद इसने पढ़ाई को छोड़कर अपना रास्ता बदल लिया और महज 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप उस पर लग गया, जिसके बाद वह 1 साल जेल में रहकर वापस लौट आया। वह पहली बार 1989 में इलाहाबाद वेस्ट से निर्दलीय विधायक चुना गया था। 1991 और 1993 में दोबारा निर्दलीय विधायक चुना गया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। और उसके बाद 1996 में मुलायम सिंह ने उसे सपा से चुनाव लड़ाए और एक बार फिर से यह चौथी मरतबा विधायक बन गया। लेकिन 3 साल बाद ही इसका पाला बदला और वह अपना दल में चला गया और 2002 में यह 5वीं बार विधायक बना। लेकिन उसके अगले ही साल मुलायम सिंह की सरकार बन गई थी, जिसके चलते वह वापस सपा में लौट आया। इस बार ये 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से सांसद बना था। जब यह सांसद बन गया तो इलाहाबाद वेस्ट सीट खाली हो गई, जिसके बाद इसने अपने भाई अशरफ को चुनाव में खड़ा किया, लेकिन उसको राजूपाल ने हरा दिया। इसके चलते 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े राजूपाल की हत्या कर दी गई। राजू हत्याकांड में उनकी पत्नी पूजा पाल ने अतीक सहित 4 लोगों पर केस दर्ज कराया। 2 साल बाद फिर से चुनाव हुए, जिसमें पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया, जिसके बाद राज्य में मायावती की सरकार बनी और इस सरकार ने अतीक ऑपरेशन चलाया। वह अतीक पर इनाम घोषित करते हुए करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी। मायावती ने अतीक अहमद पर 1 दिन में 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कराए। हालांकि कोर्ट ने इन मुकदमों पर स्पंज कर दिया था। 2012 के चुनाव के दौरान अतीक ने जमानत की अर्जी के लिए जेल से पर्चा भरा, लेकिन 10 जजों ने सुनवाई से मना कर दिया। पूजा पाल के खिलाफ भी अतीक ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी और 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे फिर से टिकट दे दिया, लेकिन वह फिर से चुनाव हार गया। इस बीच अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के कॉलेज में मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद फरवरी 2017 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी 2019 के चुनाव में मोदी के सामने अतीक ने वाराणसी से चुनाव लड़े। यहां उसको महज 855 वोटें ही मिल सकी और उसकी जमानत जब्त हो गई। जेल में रहते हुए भी वारदातों की साजिश रचने का आरोप अतीक पर लगता रहा। फरवरी 2023 में हुई राजूपाल की हत्या के इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में भी अतीक का नाम शामिल था। इसके बाद उसे इलाहाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और इसी तरह 15 अप्रैल 10:23 मिनट पर अतीक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।